दोस्तों, कोरोना वायरस अब हम सब की जिंदगी का एक हिस्सा बन गया। हमें अपने घरों में कैद रहते 50 दिनों से ज्यादा हो गए। लॉकडाउन 3 भी खत्म हो गया, लेकिन कोरोना वायरस के मामलों में कोई कमी नहीं आई है, बल्कि अब देश भर में कोरोना पहले से ज्यादा तेजी से फैल रहा है। देश में कोरोना केसेस 95,000 को पार कर चुके हैं और 3,000 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। इसके साथ ही लॉकडाउन की वजह से लोगों को और सरकार को भारी आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ा। पिछले हफ्ते ही सरकार ने मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ाने और हर तबके तक हेल्प पहुंचाने के लिए 20 लाख करोड़ के स्टिमुलस पैकेज की घोषणा की थी। अब लॉकडाउन 4.0 में सरकार ने कई अहम डिसीजन लिए हैं जो हमारी जिंदगी को सीधे तरीके से इफेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन के लिए बने रहे मेरे साथ वीडियो के एंड तक। वीडियो अच्छी लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। पिछले लॉकडाउन्स में काफी सारे चीफ मिनिस्टर्स की मांग थी कि स्टेट्स में रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन निर्धारित करने की पावर स्टेट के पास होनी चाहिए, ना कि दिल्ली में बैठे अधिकारियों के पास। इसमें से प्रमुख रूप से पंजाब सीएम अमरिंदर सिंह ने आवाज उठाई थी। तर्क ये कि स्टेट के हालात क्या हैं, ये सेंटर से ज्यादा स्टेट वाकिफ होता है और बेटर पोजीशन में होता है डिसीजन लेने के। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, लॉकडाउन या कर्फ्यू लगाने के नियम राज्य के अधीन ही आते हैं, लेकिन कोरोना वायरस की महामारी के चलते सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 लागू करके ये पावर अपने अधीन कर ली थी। लेकिन अब कौन सा एरिया रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन में आएगा, इसका डिसीजन लेने का अधिकार स्टेट गवर्नमेंट्स को दे दिया है, जो बेस्ड होंगे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर द्वारा जारी किए गए पैरामीटर्स पर। तो अभी के लिए तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने देश भर में लॉकडाउन 4.0 को 31 मई तक बढ़ा दिया है। सरकार की तरफ से इशू गाइडलाइंस में ये भी कहा गया है कि हॉटस्पॉट्स वाले एरियाज में सख्ती पहले की तरह जारी रहेगी। नई बात ये सामने आई है कि लॉकडाउन के फोर्थ फेज में ग्रीन, रेड और ऑरेंज जोन, इन 3 जोन्स की जगह अब 5 जोन्स में कोरोना संक्रमित इलाकों को बांटा जाएगा। नए 2 जोन्स जो ऐड हुए हैं वो है बफर और कंटेनमेंट जोन। अब रेड और ऑरेंज जोन में कौन से इलाके कंटेनमेंट जोन और बफर जोन में आने चाहिए, इसका फैसला जिला प्रशासन करेगी। कंटेनमेंट जोन में सिर्फ एसेंशियल सर्विसेज की अनुमति होगी और इन इलाकों से लोगों को बाहर दूसरी जगह पर जाने की सख्त मनाही रहेगी। कंटेनमेंट जोन में घर घर जाकर सर्वेलेंस किया जाएगा। जिन इलाकों में नए पेशेंट्स आने कुछ टाइम में बंद हो जाते हैं, उन्हें बफर जोन के रूप में मार्क किया जाएगा। नई गाइडलाइंस में रेस्टोरेंट्स जो होम डिलीवरी कर सकते हैं, उन्हें किचन चालू करने की परमिशन मिल सकती है, लेकिन शाम 7 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक ज्यादा चहल पहल पर पहले की तरह रोक बरकरार रहेगी। स्कूल, कॉलेजेस और एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स तो अभी लॉकडाउन 4 में भी नहीं खुले हैं। इसकी वजह से पढ़ाई का नुकसान लगातार स्टूडेंट्स को झेलना पड़ रहा है। इसको ध्यान में रखते हुए स्टूडेंट्स की एजुकेशन के लिए सरकार ने प्राइम मिनिस्टर ई विद्या प्रोग्राम शुरू किया है, जो अभी के ट्रेडिशनल स्टडी पैटर्न से बिल्कुल अलग है। इस प्रोग्राम के तहत सरकार ने 12 नए टीवी चैनल शुरू करने की बात की है। इसमें फर्स्ट से लेकर 12th क्लास को इंक्लूड किया गया है और एक क्लास के लिए एक चैनल डेडिकेटेड होगा। जैसे अगर कोई चैनल 5th क्लास से रिलेटेड है तो उस चैनल पर पूरे दिन 5th क्लास के बच्चों के सब्जेक्ट और टॉपिक्स पर इन्फॉर्मेशन शेयर होगी। सरकार ने ये कदम इस बात को ध्यान में रखते हुए उठाया है कि ग्रामीण यानी रूरल इलाकों में इंटरनेट कनेक्शन, लैपटॉप्स या स्मार्टफोन्स की पर्याप्त सुविधा के अभाव में बच्चे ई शिक्षा की फैसिलिटी से वंचित ना रह जाए। ये 12 चैनल्स डीटीएच पर फ्री ब्रॉडकास्ट होंगे। इसके साथ ही मिनिस्ट्री ने ये भी कहा है कि इंडिया की जो टॉप 100 यूनिवर्सिटीज हैं, उसमें भी ऑनलाइन क्लासेस बहुत जल्द शुरू हो जाएंगी। इसके साथ ही पैसेंजर व्हीकल्स और बसेस की इंट्रा स्टेट मूवमेंट होगी या नहीं, जैसा पहले बताया, इसका डिसीजन स्टेट्स या फिर यूटीज आपस में म्यूचुअली डिसाइड करके लेंगे। लोगों को उम्मीद है कि अब एक जगह से दूसरी जगह जाने में राहत मिल सकती है। इन नई गाइडलाइंस में आरोग्य सेतु ऐप के यूज में एक क्लाइंब डाउन देखने को मिला है। पहले की गाइडलाइंस में आरोग्य सेतु ऐप अपने मोबाइल में इंस्टॉल करना ऑफिस जाने वाले सभी एम्प्लॉयज के लिए मैंडेटरी था और ये ऑर्डर ठीक से फॉलो हो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एम्प्लॉयर की थी, लेकिन अब न्यू गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग एम्प्लॉयर के ऊपर से ये बर्डन कम कर दिया गया। मॉल्स और कंटेनमेंट जोन्स में आने वाली दुकानों को छोड़कर सभी शॉप्स को खोलने की परमिशन है, लेकिन टाइमिंग्स शायद रूटीन टाइमिंग्स ना हो, कम समय तक ही दुकानें खोलने की परमिशन होगी। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और स्टेडियम्स को फिर से खोलने की परमिशन दे दी गई है, पर स्पेक्टेटर्स यानी कि दर्शकों के लिए अभी भी स्टेडियम्स बंद रहेंगे। ई कॉमर्स कंपनीज को अब रेड जोन्स में भी नॉन एसेंशियल आइटम्स डिलीवर करने की परमिशन दे दी है, हालांकि कंटेनमेंट एरियाज में नहीं। ग्रीन और ऑरेंज जोन्स में तो ये परमिशन पहले से ही थी।
न्यू गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग डोमेस्टिक एयर एम्बुलेंस को छोड़कर सभी डोमेस्टिक और इंटरनेशनल पैसेंजर फ्लाइट्स पर 31 मई तक रोक बरकरार रहेगी। मेट्रो रेल सर्विसेज, स्कूल्स और कॉलेजेस भी 31 मई तक बंद रहेंगे। सभी सोशल, पॉलिटिकल, रिलीजियस प्लेसेस पर लॉकडाउन पहले की तरह जारी रहेगा। होटल्स, रेस्टोरेंट, सिनेमा हॉल्स, मॉल, स्विमिंग पूल्स और जिम्स भी बंद रहेंगे। हाउसिंग पॉलिसी, हेल्थ, सरकारी कर्मचारी, हेल्थ केयर वर्कर्स या कहीं पर फंसे हुए लोगों को जो ले जाने वाले सेवाएं हैं वो चालू रहेंगी। इसी दौरान बस डिपोट, रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट पर कैंटीन ओपन करने की परमिशन दे दी गई है। इसके साथ ही लॉकडाउन के इस चौथे चरण में आंगनवाड़ी, पब्लिक यूटिलिटीज एंड पावर, वाटर, सैनिटेशन, वेस्ट मैनेजमेंट, टेली कम्युनिकेशन और पोस्टल सर्विसेज ऑपरेट कर सकेंगे। प्राइवेट ऑफिसेज में गाइडलाइंस के मुताबिक 33% स्ट्रेंथ पर काम रिज्यूम किया जा सकता है, बाकी के बचे लोग घर से ही काम करेंगे। तो दोस्तों ये है सब बदलाव जो नई गाइडलाइंस के तहत आएंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। आपको कुछ सवाल हो तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम हैंडल द आशिमा शो पर कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलो मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में।